तो भैया भारत नेपाल के बॉर्डर पे है देख पा रहे होंगे इसका मिनिएचर रूप है आप एक बार नजर घुमा लीजिए बड़ा फेमस और दिव्य स्थान है काफी लोग यहाँ घूमने जाते हैं लगभग साढ़े चार सौ से ज्यादा प्रजातियां यहाँ सर भैया इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है अब जानते हैं उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस है। का स्थान है अयोध्या का स्थान है राम मंदिर का ये मिनिएचर रूप है लघु रूप है जो लोग नहीं गए हैं अब तक चले जाए क्योंकि अयोध्या का मंदिर यहाँ जानते हैं बड़ा यार दिव्य स्थान है तो ये प्रतिमा आप देख पा रहे हैं बड़ा फेमस प्रतिमा है बताने की जरूरत नहीं है बुद्ध भगवान की प्रतिमा है महापरिनिर्वाण मंदिर के नाम से जाना जाता है भैया तो आज हम आप सबके यूपी दर्शन करावा चाहते हैं वो भी मिनिएचर के माध्यम से एक ऐसे वीडियो के माध्यम से ना सारा पूरा उत्तर प्रदेश के जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा बाटे गजब सरकार कार्यक्रम लगाए बैठे दिखाते मिनिएचर के माध्यम से तो आप सबके दिखावा चाहते ही ये वीडियो के माध्यम से ना पूरा उत्तर प्रदेश के दर्शन करावा चलते ही और चलो हमारे साथ आप सब बना रहा अंतिम तक बना रही है उम्मीद करो बेहद पसंद आए तो चला हमारे साथ बना रहा जा। ये आप सब देख पावत हो ताजमहल बना बाटे काफी लोगों ने आगरा नए पहुंच पावत हुई है लेकिन मिनिएचर के माध्यम से आप सबको बतावा चाहता है इ भैया ताजमहल बना बाटे आप सबके वो सफेद संगमरमर वाला ना दिखाई पड़ा तो लेकिन देख कर लागत हो कि भैया शाहजहां जो है ना मुमताज जी की याद में बनवाए रह छोटा एक रूप देख पावत हो देख कर तो अगर आगरा जाबा तो बड़ा मनमोहक दृश्य लागे लेकिन यहाँ मिनिएचर के माध्यम से बतावत है समझावा का बाटे बतावा का बाटे की भैया शाहजहां मुमताज जी की याद में का बनवाए रहन सत्रहवीं शताब्दी में तो भैया इ काफी फेमस स्थान बात है उत्तर प्रदेश के एक स्थान पे बना जनते यहाँ आगरा में तो ओकर एक लघु रूप के माध्यम से लोगों के दिखावा बाटे शायद पसंद आवत हो ये भैया बाके बिहारी मंदिर का देख पा रहे हैं लघु रूप है वैसे काफी लोग फिर से कह रहा हूँ पहुंचना चाहते हैं भाई साहब गजब की होली होती है मैं एक बार गया था तो ये बांके बिहारी मंदिर का लघु रूप है बड़ा बंपर भीड़ होता है बड़ा मनमोहक दृश्य होता है ये श्री कृष्ण जी को समर्पित है उन्नीस शताब्दी में बनाया गया है मथुरा जिले में जानते हैं वृंदावन एक स्थान है वहीं पर यह अवस्थित है तो आप जरूर पहुंचिएगा ये तो मैं मिनिएचर के माध्यम से आप सबको दिखा पा रहा हूं कि किस तरीके से इसका लघु रूप दिया गया है यूपी पर्यटन को गजब का बढ़ावा दिया गया है इस स्थान को जब आप देखेंगे ना एक बार नजारा देख लीजिए बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है ये भैया लखनऊ स्थित विधानसभा है काफी लोग यहाँ तक तो शायद नहीं पहुंच पाते होंगे क्योंकि जो यूपी बेस्ट के लोग होंगे उनके लिए बड़ा दूर स्थान होगा तो उसका मैं मिनिएचर के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ विधानसभा जानते हैं यह उन्नीस में ही बन के तैयार हो गया था पहले ये काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था लेकिन उसके बाद से यह विधानसभा के माध्यम से जाना जाता है और जानते हैं उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक प्रणाली है तो इसका ये मिनिएचर लघु रूप है किस प्रकार से बनाया गया है उन्नीस सौ अट्ठाइस में बनकर तैयार हो गया था पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उन्नीस में उसके बाद से उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस से हटकर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये भैया लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा है बड़ा फेमस स्थान है सही बताऊ ना तो लखनऊ की जान है सत्रह में ना आसफ उद्दौला ने इसे बनवाया था और बड़ा फेमस स्थान है अगर आप आएंगे लखनऊ ना क्योंकि बहुत सारे लोग अन्य राज्यों के भी होंगे तो आपको देखने में आएगा इसमें जब अंदर घुसेंगे ना तो एक शेख स्थान है ये मोटा मोटी आपको समझ में आता होगा इसका मुख्यधार कैसा है अंदर जाएंगे तो कैसा है इसमें एक बड़ा एक फेमस स्थान है भूल भुलैया स्थान अगर आप जाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे कि मैं कैसे निकलूं यार यहाँ से तो भैया ये बड़ा इमाम बाड़ा है इसका लघु रूप है मिनिएचर के माध्यम से आपको दिखाया गया है बड़ा अच्छा लगता है रात के समय आएंगे ना मिनिएचर को देखने के लिए तो बड़ा सुंदर लगेगा तो बस फिर वही बता रहा हूँ ना पांच से सात बजे के बीच में आइएगा तो मजा आ जाएगा आपको ये भैया काशी नगरी है बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है आप यहाँ आएंगे ना तो दर्शन करना इतना आसान नहीं है बड़ा फेमस स्थान है जानते होंगे बारह ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक स्थान काशी विश्वनाथ जी का है और इस देव को ये जानते हैं समर्पित किया गया था और सही बताऊँ ना तो इसका बड़ा विवादित ढांचा रहा है औरंगजेब और ने इसके स्थान पर काशी विश्वनाथ जी के स्थान पर ज्ञानवापी बनवा दिया था मस्जिद अभी जो हालिया में वर्डिक्ट आया है कि भैया यहाँ बहुत पहले मंदिर हुआ करता था तो भैया यह वही स्थान है इसका लघु रूप है बनारस में अवस्थित है भैया इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है अब जानते हैं उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस स्थान है अयोध्या का स्थान है राम मंदिर का ये मिनिएचर रूप है लघु रूप है जो लोग नहीं गए हैं अब तक चले जाए क्योंकि अयोध्या का मंदिर यार जानते हैं बड़ा यार दिव्य स्थान है कणकड़ में भगवान श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं तो उसी का ये लघु रूप है मिनिएचर रूप है बड़ा फेमस स्थान है अब तो उत्तर प्रदेश का ना हर्ट हो चुका है यूपी टूरिज्म का जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया अयोध्या के माध्यम से ना अयोध्या राम मंदिर के माध्यम से ओ हो, हो, हो आह्लादित कर देता है तो बताने की जरूरत नहीं है या जो मिनिएचर रूप है जो ढांचा बनाया गया है अहमदाबाद का एक परिवार है सोमपुरा परिवार उसी के माध्यम से विचारित किया गया है तो अचानक ऐसे जन्म नहीं लिया जान लीजिए बड़ा क्या ही बताऊं मैं इसके पीछे बहुत ही आर एनडी वगैरह किया गया तब ये मिनिएचर रूप निकल के आया और यही आपको जब जाएंगे अयोध्या राम मंदिर में ना तो आपको कड़कड़ में भगवान दिखेंगे जाइएगा जरूर बड़ा ही फेमस स्थान है बहुत ही दिव्य स्थान है मुझे तो लगता है कि विश्वभर में अयोध्या के नाम से मुझे तो नहीं लगता बताने की जरूरत है का ही बताऊं मैं कितना फेमस हो चुका है ये भैया देवी पाटन मंदिर है बड़ा फेमस स्थान है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलरामपुर जिला वहीं पर अवस्थित है माँ देवी को समर्पित है माँ सती देवी को समर्पित है उन्हीं का एक रूप हुआ करती थी और भाई साहब ये इसलिए फेमस है क्योंकि जानते हैं शिव का तांडव यहीं पर हुआ था और ऐसा कहा जाता है सती मैया का कंधा गिरा था और आपको बताना चाहता हूँ एकदम जीवंत मंदिर है मुझे तो लगता है हर किसी को आना चाहिए ऐसी जगहों पर तो बलरामपुर ज़िले में अवस्थित है आप सब जरूर आइए तो भैया ये गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर जिले में अवस्थित है बड़ा फेमस स्थान है बाबा जी यहीं से आते हैं बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने देखा ना यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर फेमस हो चुके हैं बाबा जी तो भैया इस समय एकदम जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुके हैं क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री सही बताऊँ ना पूरे विश्व भर में कहीं नहीं है तो गोरखनाथ मंदिर का ये मिनिएचर रूप है लघु रूप है यहाँ जरूर आइए नाथ संप्रदाय से समर्पित है ये गोरखपुर जिले में अवस्थित है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर नेशनल पार्क का ये मिनिएचर रूप है लघ रूप है इसलिए फेमस है भैया ना क्योंकि बहुत पुराना है उत्तर प्रदेश का इसका बहुत पुराना नाता रिश्ता घनिष्ठ रिश्ता रह चुका है तो भैया भारत नेपाल के बॉर्डर पे है देख पा रहे हो इसका मिनिएचर रूप है आप एक बार नजर घुमा लीजिए बड़ा फेमस और दिव्य स्थान है काफी लोग यहाँ घूमने जाते हैं लगभग साढ़े चार सौ से ज्यादा प्रजातियां यहाँ संरक्षित की गई हैं साढ़े चार सौ से ज्यादा इसलिए फेमस है आपको बता रहा हूँ ना और इसलिए भी फेमस है हिरण की प्रजातियों को ना बचाने के लिए इसकी मुहिम की शुरुआत की गई थी स्टार्टिंग की बात करूं मैं तो दुधवा नेशनल पार्क बड़ा फेमस पार्क है अब तो मैं बता रहा हूं उन्नीस के बाद शायद जीव अभ्यारण्य घोषित हो चुका है उत्तर प्रदेश के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से तो इसका मिनिएचर रूप है आ, सुंदर स्थान है तो आप लोग जरूर आइए मिनियचर रूप अगर आप दुधवा नेशनल पार्क नहीं पहुंच रहे हैं कम से कम इसी बहाने यहाँ यहाँ तक चले आइए भैया काफी लोग कुंभ मेला तो आना चाहते हैं क्योंकि प्रति बारह वर्ष में एक बार ही आता है जानते हैं जब बृहस्पति अपने चक्कर को पूरा कर लेता है एक बार तो अपने यहाँ चार जगहों पर ये कुंभ मेला मनाया जाता है उसमें से एक स्थान है प्रयागराज जो गंगा नमुना और सरस्वती का दिव्य मिलन होता है वहीं पर एक कुंभ मेला लगता है यानी प्रयागराज में उसी का ये लघु रूप है मिनिएचर रूप है तो आप देख पा रहे होंगे आप जाइए प्रयागराज जरूर इस मंदिर को देखने के लिए कुंभ मेला को देखने के लिए खासकर कुंभ मेला को क्योंकि ये बारह वर्षों में मात्र एक बार आता है तो आप जब जाएंगे तो बड़ा लगेगा करीब बाप रे ये तो यहाँ सही जगह पे आया हूँ तो भैया गंगा जमुना सरस्वती का दिव्य मिलन भी होता है उसको भी देखिएगा उसका ये लघु रूप है हमें देख के बड़ा अच्छा सा लगता है अच्छा यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ गोमती नदी बगल से लगी हुई है तुलसीदास जी का मिनिएचर रूप है जानते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़ा यहाँ ग्रंथ लिखा गया है उसमें से एक जानते हैं रामचरित मानस है राम तो तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है ये वाराणसी में है तो आप जाइए जरूर इसका लघु रूप है तो बड़ा फेमस ग्रंथ है हमारे यहाँ तो उसी को तुलसीदास जी जानते हैं अवधि में लिखे हैं और अवधि गजब की भाषा है हमें ना बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब बांटे हैं तो तुलसीदास जी सोचा हुआ जमाने में लिख के चला गया जो आज तक धीरे धीरे वो देखा थे हर रोज नीचे जात बांटे जबकि बहुत बड़ी हिंदुत्व के ग्रंथ है तो तुलसीदास जी होकर रचना कीन की नैन और वही की मिनिएचर रूप है वाराणसी में तो आप सब जरूर जाओ तुलसी घाट के नाम से भी फेमस बाटे वाराणसी में तो आप सब जरूर वहाँ पहुंचा तो ये प्रतिमा आप देख पा रहे हैं बड़ा फेमस प्रतिमा है बताने की जरूरत नहीं है बुद्ध भगवान की प्रतिमा है महापरिनिर्वाण मंदिर के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर जिला वहीं पर अवस्थित है तो महापरिनिर्वाण इसलिए प्रसिद्ध मंदिर है आपको बताना चाहता हूँ अस्सी वर्ष की उम्र में जब बुद्ध जी अपने शरीर का त्याग कर रहे थे ना भैया यहीं त्याग किए थे और लगभग ये काफ़ी बड़ी प्रतिमा है छः सात फीट की ऊंची प्रतिमा है जब आप जाएंगे किसी नगर में तो आपको ये देखने को मिलेगा पूरे विश्व भर के अनुयायी यहाँ तक आते हैं भैया इतनी छोटी चीज़ नहीं है आपको बताऊं चीन वगैरह से भी आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो बड़ा दिव्य स्थान है आप आइए बड़ा अच्छा लगेगा आपको